ಅದನ್ನ ಸಹ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. तमाम वलमाए कराम और बुजुर्गान सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुह. आज हमारी एक मुसीबत ये है कि हमारे गलत इस्तेमाल से इस्लाम बदनाम हो रहा है. खुदा और रसूल ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है जो किसी जिसमें किसी एक की हक तलफी होती है. खुदा रहमान रहीम ने जितने भी कानून बनाए हैं वो सारे कानून दुनिया के तमाम कवानीन से बेहतर हैं. दुनिया का कोई कानून इस्लामी कानून से बेहतर नहीं है. इसलिए इस वक्त एक हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे जो कवानीन के माहरीन हैं वो ये बयान करें इस्लामी कवानीन में अच्छाइयाँ क्या हैं, और अगर उनमें कुछ खराबियाँ हैं तो कानून की बिना पर नहीं है, हमारे मिस यूज़ की बिना पर. हमारा गलत इस्तेमाल इस्लामी कवानीन की बदनामी का सबब बना. दूसरी बात यह कि हम शादी से पहले एक काउंसलिंग का सिलसिला शुरू करें और इन लड़कों लड़कियों को बताएं कि ज़िंदगी गुजारी कैसी जाती है. आजकल के नए माहौल में जब पहले इज्तमाई ज़िंदगी होती थी और जॉइंट फैमिली होती थी तो उसमें बहुत सी बातें बच्चे अपने घरों में सीख लेते थे, लेकिन अब इंडिविजुअल ज़िंदगी है. बच्ची अभी स्कूल या कॉलेज से फारिग भी नहीं हुई, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे की शादी हो जाती है, तो हम उसको गाड़ी तो दे देते लेकिन ट्रेनिंग नहीं देते कैसे गाड़ी चलाई जाए. तो काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम किस तरह से काम कर सकें. अवामी बेदारी की ज़रूरत है और ये वाकई की ज़रूरत है हम किस तरह से इसको ख़त्म करें. मैंने एक बात कही कि हम ये तय कर लें कि हम तीन तलाक देंगे नहीं तो ये कानून खुद बहुत बस्ते में बंद हो जाएगा. हम तीन तलाक दे करके लोगों को मौका दे रहे हैं, तो जिस चीज़ को शरीयत ने नापसंद किया है हम उसको पसंदीदा क्यों बना रहे हैं. जहाँ तक औरत हुकूम का ताल्लुक है तो इस्लाम ने जितना औरत हुकूम दिया उन्हें किसी ने हुकूम नहीं दिया है, लेकिन कानून बनाना और है, पाबंदी और है. हमें औरतों को पाबंदी या कानून के दर्ज देना चाहिए और हमारे कानून में और हमारी शपा में औरतों के हकूक अलग से दिए गए हैं. मसलन गर्चे औरत को मर्द को हक के तलाक हासिल है, लेकिन हमारी शरीयत में हमारे फिक्र में ये बात है कि निकाह में मर्द अपनी तरफ से औरत को वकालत तलाक दे सकता है कि अगर इस शौहर ने हमारे साथ शरीय बर्ताव नहीं किया तो औरत किसी भी आलम दीन से रुजू करके सिर्फ तलाक पढ़वा सकती है और उसको वक्त की जिम्मेदारियाँ और जुल्म सहना नहीं पड़ेगा. लेकिन मेरी गुजारिश ये कि हम लोग वापस आए और इस्लामी कवानीन में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी लोगों तक बयान करने की कोशिश करें और कानून तलाक और कानून निकाह और उसकी जिम्मेदारियाँ भी खुद अपने लोगों के लिए बयान करें और दूसरों ने अगर तक बताएं कि इस्लाम में अच्छाइयाँ क्या हैं ताकि लोग उनकी तरफ राबिल हो सकें. मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता. मेरी दुआएं कि जिस तरह हम इससे पहले कामयाब हुए थे आज भी कामयाब होंगे, अगर हम एक साथ उठेंगे तो कामयाब होंगे. इतहदना वलफना तलफना. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह. बहुत बहुत शुक्रिया जैसे हजरतुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अहमद अली आदिली साहब. बहुत अच्छी तजावीज़ पेश की. किसी हद तक इस पर काम हो भी रहा है हजरत की इत्तला के लिए और सबकी इत्तला के लिए. काउंसलिंग का काम निकाह से पहले भी जहाँ मुंबई दारुल क़ज़ा के तहत और भी जगहों पर चल रहा है और तलाक से पहले भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी काम किया जा रहा है. अगर कहीं तलाक की नौबत आती है तो काउंसलिंग के जरिए कोशिश करते हैं कि आप उस पर सुलह सफाई हो जाए. उस पर अब तक मुकम्मल कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई है. ऐसे और सेंटर्स कहीं कायम करते हैं तो वहाँ पर कायम किया जाए, हम लोगों का दावा वहाँ भी हासिल है.